So hello and welcome again to our channel Techy Mohit. Subscribe and like our videos to get more content. So friends, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू आर अपकमिंग वीडियोस. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो क्लास 10th में IP पढ़ा था और जो अब हम क्लास 11th में पढ़ रहे हैं उसमें बहुत अंतर है. मतलब क्लास 10th में जब आपने कोई दूसरे भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे तब आपको पता होगा कि आपको वो जो कोर्स था क्लास 10th का वो बहुत इजी लगा होगा. बट जब आप क्लास 11th में आए तो आपको रिलेटिवली कोर्स बहुत ज़्यादा डीप और बहुत वास्ट लगा होगा. तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर क्लास 11th में एक बहुत बड़ी जंप होती है. सेम हियर IP में भी यही कुछ होता है ऐसा. मतलब कि जब आप क्लास 10th में IP पढ़ते थे तो वो इतना कुछ रिलेटिवली महत्व नहीं रखता था. बट अब जब क्लास 11th में आप पढ़ रहे हैं तो आपने इसे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह चुना है और अब आप ये पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. बट ये बहुत वास्ट भी है. तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले कुछ 5 ट्रिक्स बता देना चाहता हूँ जिसे आप अगर आने वाले चैप्टर्स में अप्लाई करते हैं तो आप बहुत अच्छे से IP में स्कोर कर सकते हैं अपनी हाफ ईयरली एज वेल एज फाइनल एग्जाम्स के लिए. तो चलिए सबसे पहले ट्रिक की बात करते हैं और वो है हमारी प्रोग्राम की प्रैक्टिस. तो फ्रेंड्स, अब आने वाले जो चैप्टर है हमारे कंडीशनल इटरेटिव स्टेटमेंट या फिर हम बात करें टेक्स्ट हैंडलिंग की, लिस्ट मैनिपुलेशन की, डिक्शनरी की, नंपाई की या फिर कोई से भी चैप्टर की बात करें, सब में कूट कूट कर प्रोग्रामिंग भरी हुई है. और इन प्रोग्राम्स को करने के लिए आपको एकदम डीप में नॉलेज इनकी लेनी पड़ेगी जो आप मेरी वीडियोस से गेन कर पाएंगे. बट जब तक आप इनकी खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप इन्हें अटेम्प्ट नहीं करेंगे, तब तक आप इनमें स्कोर नहीं कर सकते. तो इसीलिए मेरा सबसे पहला सजेशन आपको यह है कि आप प्रोग्राम्स की जमकर प्रैक्टिस करें. फिर हम बात करते हैं हमारी सेकेंड ट्रिक की जो कि है डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पर. तो जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगे, हर किसी के लिए डिफ़िकल्टी अलग अलग होती है. किसी को बहुत इजी टॉपिक भी बहुत डिफ़िकल्ट लगता है और किसी को कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक भी इजी लगता है. तो जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसे आपको 2 बार प्रैक्टिस करना है. कम से कम 2 बार तो उसे अटेम्प्ट करना ही है. अगर उसे आप 2 बार अटेम्प्ट करेंगे या फिर आप उस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो मेरे हिसाब से आपको उसमें वह समझ आ जाएगा. तो इसीलिए आपको हमेशा डिफ़िकल्ट टॉपिक को 2 बार प्रैक्टिस करना है. तो अब हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड ट्रिक की तरफ. तो थर्ड ट्रिक टिप यह है हमारी कि जो हमारे 2 चैप्टर्स अब आने वाले हैं, 2 चैप्टर्स नंपाई और कंडीशनल इटरेटिव स्टेटमेंट, ये दोनों इस पूरी बुक का सार है. मतलब इस पूरी बुक में जो मेजर प्रोग्रामिंग है वो इन्हीं दोनों चैप्टर्स में भरी हुई है. तो इसीलिए इन चैप्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको. और अगर ये चैप्टर्स आप ध्यान से नहीं पढ़ते तो फिर आप आगे कुछ नहीं समझ पाएंगे पायथन में. तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत टफ बन जाते हैं, टफ भी बन जाते हैं बट बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये चैप्टर. अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तो आप बहुत ईजीली इनमें स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में. और नंपाई तो हमें अगले साल भी पढ़ना ही होगा थोड़ा सा शुरू में. तो इसीलिए नंपाई तो बहुत अच्छे से करना है, प्लस आपको कंडीशनल इटरेटिव स्टेटमेंट को भी अच्छे से करना है क्योंकि वो एक बेस है आने वाले चैप्टर्स के लिए. तो अब हम हमारी 4th ट्रिक की तरफ आते हैं जो कि है थ्योरी. तो थ्योरी जो होगी वो मस्ट होगी हमारे बुक में. 50-60-40 का जो रेशियो होता है, 60-40 का रेशियो हमारे एग्जाम्स में हमारी बुक में से लिया जाता है जिसमें 40% प्रोग्रामिंग आती है और 60% थ्योरी आती है. तो इस 60% थ्योरी को करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इसीलिए आप थ्योरी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये जो थ्योरी हमारी बुक की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इसके लिए थ्योरी के लिए मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपनी हर चैप्टर की लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं जो कि मैंने इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स रिलेटेड टू चैप्टर नंबर डैश से मैंने आपको रिप्रेजेंट कर रखे हैं और अपने चैनल पर डाल रखे हैं. तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मेरी एग्जाम्स में आए थे प्लस मुझे जो इम्पॉर्टेंट लगते हैं वो मैंने उसमें डिस्कस किए. तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा. उसके बाद आप लास्ट वाली जो ट्रिक है, जो टिप है, वो बहुत ही अच्छी है और वो है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. मतलब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आप परफेक्ट नहीं हो सकते IP में. और IP जो होता है वो एक मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है आपका 11th एंड 12th में. अगर आपके परसेंटेज डाउन जा रहे होते हैं तो IP आपके परसेंटेज को बहुत हाई लेवल तक इंक्रीज कर देता है. तो इसीलिए IP में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है.
तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर ओवर होती है एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.